पर रार मची है। इंडिया गठबंधन में दरार सी पड़ती दिख रही है। सियासी पारा बहुत हाई वोल्टेज हो गया। देखिए क्या है मामला। क्या इंडिया गठबंधन में आ गई है दरार? समय से पहले टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? सपा और कांग्रेस में तकरार के पीछे क्या है वजह? एमपी में कांग्रेस और सपा में क्यों नहीं बन रही बात? सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा में क्यों है तनातनी? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और सपा के बीच एमपी में सीटों को लेकर मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अभी कई महीने का वक्त है, लेकिन अभी से इंडिया गठबंधन में दरार दिखने लगी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव के ताजा बयान से सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस जहां सपा को मध्य प्रदेश में उसकी जमीन याद दिला रही है, वहीं सपा कांग्रेस को उसके यूपी के आंकड़े बता रही है। ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे, तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता। अखिलेश यादव जी को भी तय करना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में जहां आपका कोई आधार नहीं है, वहां एक एमएलए था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, तो निश्चित तौर से इनको तय करना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। हमने इनको घोसी में आगे बढ़कर समर्थन किया, साथ दिया, बिना मांगे समर्थन किया, तो इनको आगे समर्थन करना चाहिए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देश में चुनावी पारा भी हाई होता जा रहा है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी हो रही है। सपा और कांग्रेस के बीच चल रही तनातनी पर भाजपा भी जमकर मजे ले रही है, तो राजभर भी पीछे नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुई कलह को बीजेपी एक अनैतिक गठबंधन करार दे रही है। एनडीए में हम लोग शामिल होकर के सट के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता हट करके बनाना चाहते हैं, दूर रह करके वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस के साथ उभर करके सामने आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से अनैतिक गठबंधन है, कोई वैचारिक साम्यता नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेता बयान देते रहते हैं कि वो 2024 के लिए एक हैं, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो मतभेद उभर कर सामने आ जाते हैं। सपा और कांग्रेस के बीच जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर महाभारत चल रही है, अगर वो समय पर नहीं सुलझती है तो गठबंधन की दो बड़ी पार्टियों में दरार भी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।